बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, लिसनर्स, कैसे हैं आप। एब्सोल्यूटिज्म के बारे में आज हम देखेंगे कि एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है। एब्सोल्यूटिज्म एसोसिएट है एक थियोरी एंड प्रैक्टिस के साथ जो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट के जब हम बात करते हैं तो वो मेनली हम मोनार्की की बात करते हैं कि मोनार्क्स जो हैं वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट के हामी होते हैं, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट के हामिल होते हैं, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को कैरी करते हैं। अब एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि इसमें है क्या, इसके अंदर अनचैलेंजेबल पावर्स होती हैं जो कि मोनार्क के पास मौजूद होती हैं। लेकिन ये फ़र्क है जिस तरह से डिवाइन राइट्स में पावर्स मौजूद हैं उससे ये फ़र्क है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि डिवाइन राइट्स में जो पावर्स हैं वो फिर इससे फ़र्क कैसी हैं। देखिए, डिवाइन राइट्स में के तहत जो पावर्स दी जाती हैं वो पावर्स सिर्फ अनचैलेंजेबल नहीं है बल्कि वो अनलिमिटेड है। यानी कोई भी वो पावर है उसके पास, वो ना सिर्फ ये कि अनचैलेंजेबल है बल्कि वो कुछ भी सोच के वो पावर हासिल कर सकता है। कोई चीज़ भी अगर आ गई है जहन में एब्सोल्यूट रूलर के पास, कोई भी चीज़ उसके ख़्याल में आ गई है तो वो उसकी ताकत बन जाती है। अगर वो चाहता है कि मेरे पास ये ताकत भी होनी चाहिए तो कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है जिसके तहत वो उसको रोका जा सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट पावर के अंदर ऐसा नहीं है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको बहर सूरत फॉलो करना होता है। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो भी पावर्स दी जाएंगी एब्सोल्यूट रूलर को वो चैलेंजेबल नहीं होंगी, वो अनचैलेंजेबल होंगी। ये थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क है। अब देखिए, जैसे रैशनलिस्ट जो फ़िलासफ़र्स हैं जैसे कि सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, अल्फ़ाराबी हैं, इमैनुअल कांट हैं, थॉमस हॉब हैं, जॉन लॉक हैं, इनका ख़्याल ये है कि इनकी जो थियरीज जब अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो ताकतवर गवर्नमेंट होती हैं। जैसे थॉमस हॉब्स कहते हैं ओनली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कैन इंश्योर द लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेफ गार्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स। और वो कहते हैं, अब इसकी बुनियाद कहाँ से वो लेके आते हैं, इसकी बुनियाद वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट से लेके आते हैं। यानी रैशनलिस्ट कहते हैं कि एब्सोल्यूट हुकूमत होगी और एब्सोल्यूट हुकूमत फिर इंश्योर करेगी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फिर इंश्योर करेगी सिटीजन्स के लिए। तो उनका ख्याल ये है कि अल्टीमेटली जो सिटीजन्स के लिए, जो लोगों के लिए फ़ायदे में जाती है तर्ज़ हुकूमत, वो एब्सोल्यूट मोनार्की है। अब अगर फ़िलासफ़र किंग की बात कर लें, वो इसमें आता है कि देखें, फ़िलासफ़र किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होगी, एब्सोल्यूट पावर चूँकि वो फ़िलासफ़र किंग है तो वो बुरा तो सोच ही नहीं सकता, लेकिन उसकी जो पावर होंगी वो अनचैलेंजेबल होंगी। चूंकि अनचैलेंजेबल होगी तो फिर वो कुछ भी अच्छा कर सकता है क्योंकि वो फिलोसफर किंग है। तो एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ अगर आप जाएं, यानी एब्सोल्यूट पावर की तरफ आप जाएं, तो फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है। यानी अल्टीमेटली लोगों की फलाह व बहबूद के लिए ये ज़रूरी है। अब अगर इसे आप इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो खलीफा के पास भी एब्सोल्यूट पावर होती है। खुलफाए राशिदीन के बाद जो एक मोनार्कियल खिलाफत चली तो उसके अंदर अनचैलेंजेबल थी, पावर्स थी, वो डिवाइन राइट्स नहीं थी, ये आप याद रखें। इस्लामी रियासत में खिलाफत कभी भी ये नहीं है कि मैं कुछ भी कर लूँ तो मुझे, चूँकि खुदा ताला की ज़ात ने दिया हुआ इख्तियार तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। वो अकाउंटेबल है, वो अकाउंटेबल होने का अकाउंटेबल हो है, लेकिन वो उसके पास जो पावर्स हैं वो चैलेंजेबल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस्लामी नुक्ता नज़र से भी देखें तो एब्सोल्यूट पावर
हुआ करती थी खुलफा के पास भी, यानी खिलाफत जो है वो एब्सोल्यूटिज्म को ही प्रमोट करते थे। और जब हम एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं तो उसके अंदर सोशल स्टेबिलिटी आएगी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। जैसे मैंने आपको जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं, जो मॉडर्न फ़िलासफ़र्स हैं, जो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं, उनके तहत उनके ख्यालात के तहत भी आपको बताया। अब हमें यहाँ से इसको डिस्टिंग्विश करना है ऑटोक्रेसी से और इसको डिस्टिंग्विश करना है डिक्टेटरशिप से। मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो के अंदर स्टार्ट में भी बताया कि एब्सोल्यूट पावर अनचैलेंजेबल हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही आपको पावर्स दी गई होती हैं। लेकिन अगर आप डिक्टेटरशिप की बात करें, अगर आप डिवाइन राइट्स की बात करें या ऑटोक्रेसी की बात करें, तो इन सारी चीज़ों के अंदर ना सिर्फ ये कि पावर्स हैं बल्कि अनलिमिटेड पावर्स हैं। जैसे अगर हम इसको बहुत ही सादा अल्फाज में कहें तो मुझे ख्याल आया कि मुझे ये भी कर लेना चाहिए, या मुझे ख्याल आया कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता तो मैं वो भी कर लूँगा। इस तरह की ताकत को आप कहेंगे कि अनलिमिटेड पावर्स है, आप कुछ भी कर लें, आपके पास ये इख्तियारात मौजूद हैं। आई होप कि आपको एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूटिज्म और इसको सपोर्ट करने वाले फिलॉसफर्स के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।